हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने सावरकर के मन की बात के माध्यम से इस बात के ऊपर चर्चा करी थी कि किस तरीके से अवैदिक जाति से वैदिकों के विवाह संबंध होते थे। इसमें सावरकर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से केवल जाति संस्था में विश्वास रखने वाले वैदिक लोग ही नहीं अवैदिक लोगों में भी इस तरह के विवाह जो है हुआ करते थे। और इसका एक उदाहरण वो देते हैं कि ऐसा बहुत कॉमन हुआ करता था कि पिता बौद्ध हो और माता जो है वो वैदिक हो और उनका पुत्र जो है वो जैन हो। ये कैसे पॉसिबल होता है? माता और पिता अलग अलग जाति या धर्मों से तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पुत्र का जो धर्म है वो बिल्कुल बदला हुआ हो, इस तरह की बात सावरकर ने कही है। ऐसा हो सकता है कोई नायाब उदाहरण रहा हो, लेकिन सोसाइटी में ये प्रैक्टिस जो है वो आम रही हो ऐसा मैं नहीं मानती। लेकिन उसी को आधार बनाकर सावरकर ने ये बात साबित करने की कोशिश करी कि इसी तरीके से करते करते सब लोग जो है वो हिंदू ही हैं। और उसके बाद सबसे अनोखी बात तो ये लगी कि छूत अछूत को मानने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले ये सावरकर जो हैं वो लिखते हैं कि वस्तुतः मानव जाति ही विश्व की एकमेव जाति है। यदि ऐसा है तो फिर ये छूत अछूत और हिंदू मुसलमान का राग क्यों अलापना? तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और आज हम जानेंगे हिंदुत्व का दूसरा आवश्यक अभिलक्षण, क्योंकि पहले अभिलक्षण में हमने सारी बातें जो हैं वो रक्त संबंधों को लेकर ही करी हैं, जिसमें सावरकर एक्सप्लेन करते हैं कि हम सब एक ही रक्त के हैं, हम सबकी धमनियों में एक ही जैसा रक्त है ब्राह्मण से लेकर चांडालों तक। तो जब ये ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक की बात करते हैं तो अपने आप ही ये सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इस मामले में इसमें बाकी दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं हैं। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामक। आज का टॉपिक है हिंदुत्व का दूसरा आवश्यक अभिलक्षण। इसके तहत मैं आप लोगों से कुछ सवाल जवाब भी करूंगी। कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी, उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। आपके बहुमूल्य विचारों का मुझे इंतजार रहेगा इस पाठन के दौरान। सापेक्षतः कहना होगा कि हिंदू तथा यहूदी लोगों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि वह एक ही जाति का है तथा उसका यह कथन न्यायोचित है। तो यहाँ पर खास तौर से हिंदू तथा यहूदी लोगों का जिक्र किया है सावरकर ने। किसी हिंदू से विवाह संबंध बनाने वाला दूसरा हिंदू अपनी जाति के लिए पराया हो सकता है, परंतु वे अपने हिंदुत्व से कभी दूर नहीं हो पाता। और मेरा सवाल इसी हिंदुत्व को लेकर होगा। आगे सुनिए। ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने वाला तथा न करने वाला किसी भी धर्म मत अथवा तत्व ज्ञान सामाजिक पद्धति पर विश्वास करने वाला यदि कोई हिंदू होगा और वह धर्म मत तत्व ज्ञान तथा सामाजिक पद्धति निर्विवाद रूप से हम लोगों के राष्ट्र में उपजी हुई तथा एकमेव रूप से हिंदू प्रणीत नहीं होती, तो वह हिंदू अपने उस विशिष्ट पंथ का त्याग कर सकेगा, परंतु अपना हिंदुत्व त्यागने का विचार भी उसके मन में नहीं उठेगा। किस तरीके से? अब ये जानना इंटरेस्टिंग है कि यदि आप अपना पंथ भी बदल लें, पंथ के साथ साथ इसमें धर्म भी जोड़ दीजिए, यदि आप धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, धर्मांतरित भी हो जाते हैं, तो भी जो है आप हिंदुत्व से दूर नहीं होते। और ये हिंदुत्व क्या है? ये हिंदुत्व वह जातिगत सोच है जिसने आपकी सोच को जकड़ रखा है। यदि आप कोई अस्पृश्य बौद्ध धर्म भी अपना ले तो क्या वो अपनी सोच को, इस जातिगत सोच को झटक पाने में कामयाब हो पाता है? यही सवाल मेरा आप लोगों से है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में अपने बहुमूल्य विचारों के साथ लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उसके बावजूद भी, बौद्ध धर्म अपना लेने के बावजूद भी, एक अस्पृश्य जो है शादी ब्याह के मामले में अपनी ही जाति में लड़का या लड़की खोजता होगा। उसके मन में विचार ही नहीं आता होगा कि अगर मैं पासी हूं तो मैं वाल्मीकि समुदाय के किसी लड़के या लड़की से अपने बच्चों की शादी कर सकता हूँ, या अगर मैं चमार हूं तो मैं किसी पासी से शादी कर सकता हूँ। तो इन सब बातों का जवाब जो है मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हिंदुत्व का सबसे प्रमुख और आवश्यक लक्षण रक्त से हिंदू होना। अब रक्त से किस तरह ये लोग हिंदू होते हैं ये जानना बड़ा दिलचस्प है।
इसी कारण सिंधु से सागर तक फैली हुई भूमि में पितृ भूमि के रूप में जिन्हें प्रेम है तथा उस जाति ने दूसरों को अपनाकर नया संबंध बनाकर बहुत प्राचीन समय से सप्त सिंधु के समय से अब तक उन्नति की है, उस जाति का रक्त उन्हें अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुआ है। और ये उन्नति किस तरीके से हुई है? मुसलमानों के साथ हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियों को ब्याहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही क्यों, अंग्रेजों को भी उन्होंने अपनी बेटियां दी हैं, ईसाइयों को, दूसरे धर्म और जाति के लोगों को, जो भी काबिल इनको दिखा है अपनी बेटियां या बेटे उन्होंने सौंपे हैं ब्राह्मणों ने। और इस तरीके से ये लोग हमेशा उन्नति करते रहे, हमेशा जो है वो इम्पोर्टेंट पोजिशंस एक्वायर करने में ये लोग सफल रहे इस तरीके से। और इसी बात को सावरकर ने यहाँ पर लिखा है कि नया संबंध बनाकर बहुत प्राचीन समय से सप्त सिंधु के समय से अब तक उन्नति की है, उस जाति का रक्त उन्हें अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुआ है, हिंदुत्व के दो प्रमुख अभिलक्षणों को वे प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा समझना ही उचित होगा। नेक्स्ट टॉपिक, समान संस्कृति। तो अब ये संस्कृति क्या है? यदि आपको याद हो, इससे पहले भी पेज नंबर 62 में सावरकर बोल चुके हैं कि हिंदुत्व जो है वो इनकी राजनीतिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है। तो हिंदुत्व कुछ और नहीं है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा ही है सिर्फ, जिसके तहत ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इनके हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर आ जाएं, जिसके चलते ये हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो जाएं। और एक बार हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर मनुवादी व्यवस्था आराम से लागू की जा सकेगी। अब सुनिए नेक्स्ट टॉपिक के तहत, समान संस्कृति। कुछ विचार करने पर हम लोगों को यह प्रतीत होता है कि एक राष्ट्र तथा एक जाति, ये दो अभिलक्षण ही हिंदुत्व के सर्व अभिलक्षण नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे हैं। अज्ञान मूलक दुराग्रहों का यदि मुसलमान त्याग कर देंगे तो हिंदुस्तान में निवास करने वाले अधिकतर मुसलमान हम लोगों की इस भूमि से पितृ भूमि की तरह प्रेम करने लगेंगे। रो पिटकर इनका सारी सुई जो है वो मुसलमानों पर आकर अटक जाती है। इनको शुरू से ही बहुत ज्यादा दिक्कत है मुगलों से, मुसलमानों से। उनमें से जो स्वदेशाभिमानी तथा उदार अंतकरण वाले हैं, जिन्होंने आज तक इस प्रकार प्रेम किया है, इससे पहले पेज नंबर 60 पर अकबर के लिए बहुत प्रेम भाव दिखा चुके हैं सावरकर। जब वे लिखते हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ पेज नंबर 60 पर क्या मेंशन किया है सावरकर ने। अकबर ने जब राज सत्ता संभाल ली और दारा शिकोह का जन्म हुआ, तब हिंदुओं की वास्तविक नैतिक विजय हुई, क्योंकि अकबर ने कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म, नया पंथ चलाने की शुरुआत करी, जिसके तहत हिंदू मुसलमान दोनों उसे अपना सकते थे। लाखों लोगों के उदाहरणों का ऐसा ज्ञात होता है कि उनका धर्मांतरण किए जाने के समय बल प्रयोग अथवा जबरदस्ती हुई है। तो धर्मांतरण करके जो लोग हिंदू धर्म के अम्ब्रेला से बाहर चले गए हैं, हिंदुत्व के अम्ब्रेला से बाहर नहीं कह रही हूं, हिंदू धर्म के अम्ब्रेला से बाहर चले गए हैं, उससे सावरकर को बहुत पीड़ा होती है और उनकी घर वापसी वे करवाना चाहते हैं किसी तरीके से। इन सबको पढ़कर यही समझ में आया है मुझे, उनके इस धर्मांतरण का इतिहास इतना नया है कि उनकी नसों में हिंदू रक्त का अभिसरण हो रहा है, ये बात चाहने पर भी वे भूल नहीं सकेंगे। परंतु हम लोग केवल सत्य की खोज करने में लगे हैं, वह सत्य क्या है ये निश्चित करने का जिन लोगों का जरा भी हेतु नहीं है, ध्यान नहीं है, वे मुसलमानों को हिंदू मूल के क्यों कहें भला। तो अब मुसलमानों को भी ये हिंदू मूल का ही कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियां ब्याही थी और मुसलमान शासकों और हिंदू रानियों से जो संतानें पैदा हुई मिली जुली, उन सबको ये हिंदू रक्त मानते हैं। कश्मीर व अन्य स्थानों के मुसलमान तथा दक्षिण भारतीय ईसाई अपने अपने नियमों का पालन इतनी कट्टरता पूर्वक करते हैं कि अपनी जाति धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ वे विवाह संबंध नहीं बनाते। तो यहाँ पर जबरदस्ती मुसलमानों और क्रिश्चियनों के लिए भी इन्होंने जाति धर्म का इस्तेमाल किया है, जबकि उनमें जातियां एज सच नहीं होती, ऊंच नीच तो उनमें भी है, स्टेटस के लेकर, आर्थिक
संपन्नता और विपन्नता को लेकर, लेकिन जाति व्यवस्था उस तरीके से नहीं है जैसे हिंदुओं में है, ये इन्हीं की एक्सक्लूसिविटी है। इस कारण इनके मूल हिंदू रक्त में पराई जाति के रक्त की मिलावट नहीं हुई है। इसके पश्चात भी उन्हें इस अर्थ में हिंदू नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में हम लोग हिंदू संबोधन का प्रयोग करते हैं। समान हिंदू भूमि के लिए जो प्रेम हमारे मन में विद्यमान है तथा जो रक्त हम लोगों के हृदय के स्पंदनों को कार्यरत रखता है, वही रक्त हम लोगों की नसों में भी प्रवाहित होता है। इसी कारण हम लोग हिंदू एक दूसरे से बद्ध नहीं हुए हैं, मतलब बंधे हुए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था जो है वो इन्हें बंधने नहीं देती है। अपनी जिस महान संस्कृति का हम सभी लोग भक्ति भाव पूर्वक आदर करते हैं, जिस संस्कृति से हम लोगों के मन में समान रूप से प्रेम है, उसी प्रेम के कारण हम सब हिंदू लोग एक हैं। हम लोगों की हिंदू सभ्यता को विद इन ब्रैकेट सिविलाइजेशन संस्कृति कहना अधिक यथार्थ है, क्योंकि इस शब्द में संस्कृत भाषा का अनायास उल्लेख किया गया है। सिर्फ संस्कृत भाषा का उल्लेख कर देने भर से ही ये लोग सिविलाइज्ड कहलाने योग्य हो जाते हैं, ऐसा सावरकर कह रहे हैं। हम लोगों की हिंदू जाति के भूतकाल में जो जो उत्कृष्ट सराहनीय व संग्रहणीय था, उसे हमारी महान संस्कृति को भी शब्द रूप देकर उन सभी का जतन करने का अमूल्य साधन संस्कृत भाषा ने हमें दिया है। इसलिए भाषा का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों का एक राष्ट्र है तथा जातियां भी एक हैं, इसीलिए हम लोगों की संस्कृति भी एक है। इस कारण हम लोग एक हैं। अब इसके आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सावरकर लिख रहे हैं, और उसमें वो क्या क्या लिख रहे हैं उसको कोट अनकोट करते चलेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृति का अर्थ क्या है। अब सावरकर की नजर में क्या है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। संस्कृति का अर्थ है मानव, परंतु संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति मानव मन का आविष्कार है। ध्यान दीजिए, मानव मन का आविष्कार है संस्कृति। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ कुछ विचार हैं जो बहुत मजबूती से स्थापित कर दिए जाते हैं और उसी को हम लोग फॉलो करने लगते हैं और उसी को समझते हैं कि यही संस्कृति सब कुछ है, इसमें बदलाव नहीं लाना चाहिए। संस्कृति का अर्थ है मानव द्वारा इस भौतिक सृष्टि पर किए गए संस्कारों का इतिहास। यदि परमेश्वर को इस भौतिक दृष्टि की रचना करने वाला माना जाए तो संस्कृति मानव द्वारा निर्मित दूसरी सृष्टि ही मानी जाएगी। संस्कृति का सर्वोच्च विकास मनुष्य की आत्मा द्वारा भौतिक वस्तु तथा मनुष्यों पर पाई हुई विजय में प्रकट होता है। जरा ध्यान दीजिए, मैं दोबारा पढ़ रही हूं इस लाइन को। संस्कृति का सर्वोच्च विकास मनुष्य की आत्मा द्वारा भौतिक वस्तुओं तथा मनुष्यों पर पाई हुई विजय में प्रकट होता है। तो ये संस्कृति क्या है? संसाधनों पर कौन कितना कब्जा कर सकता है, उतनी मजबूत संस्कृति वाला वो माना जाएगा। और मनुष्यों के माइंड को किस तरह कैप्चर करता है, जहां तक मनुष्य को अपनी आत्मा को सुख की अनुभूति दिलाने के लिए भौतिक सृष्टि की रचना में यश मिलता रहा है, वहीं संस्कृति का सही रूप में प्रारंभ हुआ है। कौन कितना ज्यादा जीत सकता है, कितनी ज्यादा चीजें एक्वायर कर सकता है, कितने संसाधनों पर कब्जा कर सकता है, उससे उसकी महानता साबित होती है। और तभी संस्कृति का सही से लागू होना सावरकर की नजर में माना गया है। जैसे कि ब्राह्मण शाही जो है हर जगह मौजूद है, सभी प्रमुख पदों पर, सभी जगह संसाधनों पर इन्हीं का कब्जा है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो संस्थान हो, और उसी को ठीक से लागू होना संस्कृति का सावरकर ने माना है। इस संस्कृति की परमोच्च विजय और विकास तभी होता है जब मनुष्य समृद्ध व संपूर्ण जीवन का उपभोग करता है और सामर्थ्य सौंदर्य व प्रीति के उपभोग की आत्मिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपार आनंद प्राप्त करने के सभी साधनों को वह हस्तगत करता है। तो समृद्धि व संपूर्ण जीवन का उपभोग करता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से, सौंदर्य का भी प्रयोग करता है। सौंदर्य मतलब स्त्री का कितना उपभोग ये लोग कर सकते हैं और कितना आनंद लूट सकते हैं सभी संसाधनों को कब्जे में करके, और अपनी सुख सुविधा किस लिहाज से संपन्नता
जो है उनकी खुशी डिफाइन करती है। राष्ट्र की संस्कृति का इतिहास उनके विचारों, आचारों और उपलब्धियों का इतिहास होता है। वांग्मय तथा कलाओं से राष्ट्र की वैचारिक ऊंचाई की कल्पना की जा सकती है। इतिहास तथा सामाजिक रीति रिवाजों, उनके रूढ़ आचारों, पराक्रम तथा दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। इन सब में मनुष्य को अलग नहीं दिखाया जा सकता, वह तो राष्ट्र की प्रत्येक उपलब्धि का अंग होता है। अंडमान के आदिवासियों द्वारा लकड़ी तराश कर जैसे तैसे बनाई गई टेढ़ी मेढ़ी डूंगी को ही सुधारित रूप है। बार बार अंडमान का जिक्र किया है, पिछले एपिसोड में भी हमने अंडमान के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से अंडमान के आदिवासी लोगों में भी रक्त, हिंदू रक्त के बिंदु पाए जाते हैं। अंडमान से बड़ा खासा लगाव था, इससे पता चलता है कि कितनी गहरी छाप रही होगी सेलुलर जेल की सावरकर के मन में, कि हर जगह उदाहरण के तौर पे उन्होंने अंडमान ही का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी बनावट की आधुनिक युद्ध नौकाओं या विनाशिकाओं का पेरिस की युवतियों की आधुनिक देहभूषा का मूल देखने को मिलता है। आदिवासी पातुआ स्त्री अपने कमर पट्ट में जो पत्तों का गुच्छा खोजती हैं और मात्र इतने भर करने से उनकी देहभूषा व सौंदर्य प्रसाधन पूरी हो जाती है उस पातुआ स्त्री के पर्ण गुच्छों में। तथापि डूंगी डूंगी ही बनी रहती है और विनाशी का नौका भी विनाशी का नौका ही है, उसमें साम्यता से अधिक भिन्नता अधिक है। हिंदुओं में भी दूसरों की अनेक बातें स्वीकार की हैं तथा अपनी भी बातें अन्य लोगों को दी हैं। संस्कृतियों का आदान प्रदान जो है वो होता रहा है हमेशा से ही। फिर भी उनकी संस्कृति इतनी वैशिष्ट्यपूर्ण है कि अन्य किसी संस्कृति का बाह्य रूप उनके समान रहना सर्वथा असंभव है। तो ये बात तो है, इतने लोग आए गए, हजारों साल हो गए, लेकिन जाति व्यवस्था के किला जो है वो अभी भी अभेद्य है। संस्थानों पर, संसाधनों पर, हर जगह एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व स्थापित है, उसमें टूटन अभी तक नहीं हम ला सके हैं। भारतीय समाज उसमें परस्पर भिन्नत्व होते हुए भी वे भिन्न न रहकर समान हो गए हैं। समान संस्कृति, वांग्मय तथा इतिहास के कारण विश्व में जो उस समय की अन्य संस्कृतियां अस्तित्व में हैं, उनमें से एक स्वतंत्र संस्कृति के रूप में हिंदू संस्कृति का जो स्थान है, वह स्थान अन्य किसी संस्कृति को प्राप्त होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। हिंदू संस्कृति वाकई सभी संस्कृतियों में विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि जाति व्यवस्था यहाँ की एक्सक्लूसिविटी है हिंदू लोगों की, और ये किसी और संस्कृति में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, हम लोगों की उज्जवल संस्कृति का उत्तराधिकार। अब इसमें बहुत ही हास्यास्पद तरीके से सावरकर जिन उदाहरणों को रख रहे हैं उसको पढ़कर सुनकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। सुनिए जरा, हिंदुओं का इतिहास नहीं है, इस प्रकार के पक्षपाती तथा अज्ञान मूलक प्रचार के कारण विश्व के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रचार का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ चुका है उन्हें हमारा यह कथन आश्चर्यकारक तथा विपरीत प्रतीत हो सकता है कि हिंदुओं में लगभग अकेले ही धरणीक और जल प्रभावों का कारण उत्पन्न हुई भीषण आपत्तियों का सामना किया है। तो ये भीषण जल प्रवाह क्या थे? सप्त सिंधु क्रॉस करके, वो जो सात नदियां थी क्रॉस करके, जिन्हें इनकी संस्कृत में, वेदों में जो है समुद्र पार, सात समुद्र के हिसाब से लिखा गया है, बढ़ा चढ़ा करके जो सात नदियां हैं, लोगों के लिए पार करना सात समुद्र पार करने जैसा था। और हिंदुत्व के पेज नंबर 48 में भी सावरकर ने इस बात को मेंशन किया है कि सप्त सिंधु को ही वेदों में, संस्कृत में इसका दूसरा अर्थ सागर यानी के समुद्र शना कहा गया है। हिंदू जाति के इतिहास का प्रारंभ वेदों से होता है। प्रत्येक हिंदू लड़की झूले में जिस लोरी को रोज सुनती है वह साध्वी सीता पर रचा गया है। श्री रामचंद्र को हम में से कुछ लोग अवतार मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें एक लोकोत्तर रणवीर कहकर पूछते हैं, परंतु हम सभी लोग उनसे भक्ति पूर्वक प्रेम करते हैं। मतलब राम जो हैं वो अवतारी पुरुष नहीं है, वो इनकी काल्पनिक पुरुष हैं जो इन्होंने आम जन के बीच में स्थापित किए हैं और इतनी खूबी से स्थापित किए हैं कि लोग इसे सच मानने लगे हैं, इस पे भक्ति पूर्वक प्रेम करने लगे हैं।
मारुति, राम तथा भीमसेन प्रत्येक हिंदू युवक के लिए सर्वकालीन बल का प्रथम स्फूर्ति स्थान बन चुके हैं। मारुति मतलब बजरंगबली, राम और भीमसेन मतलब पांच पांडवों में से एक पांडव। उसी प्रकार सावित्री तथा दमयंती प्रत्येक हिंदू कन्या के लिए एकनिष्ठ तथा पवित्र प्रेम की आदर्श भूत सती साध्वियां प्रतीत होती हैं। गाय चराने वाले उस दिव्य गोपाल से राधा ने जो प्रेम किया है, उसी प्रेम का प्रत्यय हर हिंदू प्रेमी को अपनी प्रियतमा का चुंबन लेते समय होता है। कौरवों के साथ हुए भीषण संग्राम, हिंदू कर्ण सॉरी अर्जुन, कर्ण, भीम और दुशासन, इनमें कुछ चुनौतीपूर्ण द्वंद्व हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में हुए थे, तथापि प्रत्येक कुटीर में अथवा राज प्रसादों में भावनाओं का शोभ करने वाले गीत उन सभी रसपूर्ण घटनाओं के साथ आज भी गाए जाते हैं। अभिमन्यु अर्जुन को जितना प्रिय था, उतना ही वे हम लोगों को भी प्रिय लगता है। उस राजीव नेत्र सुकुमार के रणक्षेत्र में हुए निधन की वार्ता सुनते ही शोक से विवल होकर आक्रांत करने वाले उनके पिता ने अश्रुओं से अभिषेक किया होगा। उसी तरह प्रेम तथा शोक से विवल होकर लंका व कश्मीर तक सारा हिंदुस्तान अश्रु सिंचन करता है। इससे बढ़कर और क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो मतलब काल्पनिक कथाओं का जो इतिहास है वो इनका इतिहास, इनका अपना कोई इतिहास नहीं है, जो कल्पना के दम पर इन लोगों ने कल्पनाएं गढ़ी हैं, काल्पनिक कथाएं लिखी हैं, वही इनका इतिहास है। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते, इससे अधिक अब मुझे भी और कुछ नहीं कहना है। मुट्ठी भर भालू को सब और फेंक दिया जाए, उसी तरह यदि हम सबको 10 दिशाओं में बिखेर दिया जाए, तब भी रामायण व महाभारत ये दोनों ग्रंथ हमें एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं। बहुत बड़ी बात सावरकर ने यहाँ पर कह दी है कि रामायण और महाभारत की रचनाओं को इन्होंने आम जन के बीच में इस तरह एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये इनको एक मुट्ठी की तरह बांधे रहती है। यदि इनको बिखेर भी दिया जाए तो भी रामायण महाभारत की कथाओं के जरिए ये सबको दोबारा जोड़ लेते हैं हिंदू कहकर। ये हिंदुत्व के अम्ब्रेला की करामात है। बहुत बड़ी बात यहां पर सावरकर ने लिख दी है। मैं मैजनी का चरित्र पढ़ता हूं तब कहता हूं कि वे कितने देशाभिमानी थे। तो मैजनी कौन है मैं आपको बता देती हूं। इटली में राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा इन्हें कहा जाता है और इनका जो जन्म है वो 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। और मैजिनी की स्पेलिंग भी यहां पर मिस्टेक है। माधवाचार्य का चरित्र पढ़ने पर अपने आप मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, हम कितने स्वदेश भक्त हैं। और माधवाचार्य कौन थे? ये भक्ति काल के अत्यंत इंपॉर्टेंट गुरु थे। तो कोई मैच नहीं है भक्ति काल के व्यक्ति का आधुनिक काल के आंदोलनकर्ता से। पृथ्वीराज का पतन याद करने पर तथा मृत्यु को गले लगाने वाले गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों का बलिदान याद करने पर महाराष्ट्र हो या बंगाली दोनों ही शोक करते हैं। अब जबरदस्ती अपनी बात को मनवा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों का इतिहास है। और मैं पूरे पृथ्वीराज चौहान का जब हम लोगों ने जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से कल्पनाओं के आधार पर गढ़ा गया चरित्र है। और ये एक समय में नहीं गढ़ा गया है, 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के बीच का इसका इतना लंबा चौड़ा 500 साल 600 साल का काल है पृथ्वीराज के चरित्र का। और किसी व्यक्ति को इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। इस सब चीजों के ऊपर मैंने चर्चा करी थी और पूरा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि इतिहास में कोई प्रमाणिक तौर पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड। देश के उत्तरी कोने में रहने वाले आर्य समाजी इतिहासकार को ऐसा लगता है कि देश के दक्षिणी छोर में स्थित विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर व बुक्का हमारे लिए ही तो दुश्मनों से लड़े थे, तथा दक्षिण छोर के सनातनी इतिहासकार को भी ऐसा लगता है कि उत्तर के गुरु तेग बहादुर ने भी हमारे लिए मृत्यु का आलिंगन किया। हम सबके राजा एक ही थे, हमारे राज्य भी एक ही थे, हमने समृद्धि व संपन्नता का भी एक समान उपभोग किया। हम सबने अपने पराक्रम से दिग्विजय प्राप्त किए, विजय हुए
तब तो हम सब एक साथ ही थे, पराजय व आपत्तियों को भी हमने एक साथ रहकर झेला। बिल्कुल झूठ। पराजय और आपत्तियों की स्थिति में ब्राह्मण लोग जो थे वो शीर्षस्थ पदों पर बने हुए थे, मुगलों के भी ये लोग राज दरबारी थे, अंग्रेजों के काल में भी ये लोग सभी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। तो आपत्तियों का इन्होंने सामना नहीं किया, देश ने अकेले सामना किया, और इन्होंने तो हाथ खींचकर सत्ता के साथ सांठगांठ करके मलाई चाटी है। जहां मोका बसैया, सूर्याजी पिसाल, जयचंद तथा काला पहाड़ फुटनोट 63 नामक बंगाली ब्राह्मण, जिसको मुसलमान युवती से विवाह रचने के कारण हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया था, जिससे क्रोधित होकर उसने मुसलमान धर्म को स्वीकार किया व कई मंदिर नष्ट कर दिए, लोगों को धर्म भ्रष्ट कराया, इन सब से नाम का उच्चारण करने पर भी हमें पातक सा लगता है, मतलब पाप सा लगता है। फुटनोट 63 पढ़ लेते हैं। वैसे इस काला पहाड़ का जिक्र जो है, जाति आखिर क्यों नहीं जाति वाली पुस्तक के दौरान भी किसी एक लेख में किया था, संभवतः दूसरा लेख रहा होगा, उसके अंदर भी इस काला पहाड़ का जिक्र है। बंगाल के ढाका नगर में रहने वाले कट्टर ब्राह्मण युवक अत्यधिक हिंदू धर्माभिमानी, वहां के मुसलमान नवाब की कन्या इससे प्रेम करने लगी। मुसलमान नवाब ने मुसलमान बनने हेतु उसे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया था, परंतु वह कन्या इस युवक से अत्यधिक प्रेम करती थी, उसके स्थान पर वह स्वयं अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। इस प्रेम के प्रभाव ने उस युवक से उस कन्या से विवाह करने की बात मान ली गई, परंतु सनातनी हिंदू समाज से उस कन्या को हिंदू बना लेने की बात अस्वीकार कर दी। तब उसने जगन्नाथपुरी जाकर ईश्वर को साक्षी रखकर हिंदू पद्धति से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु वहां के मंदिर के सनातनी भक्तों को ये भ्रष्टाचार सहन करने की शक्ति नहीं थी, उन्होंने उसे मारपीट कर वहां से भगा दिया। इस कारण हिंदू धर्म में रहने की उसकी उत्कट इच्छा होते हुए भी समाज के द्वारा दूर किए जाने के कारण क्रोधित होकर वह एक भ्रष्ट व कट्टर मुसलमान बन गया। इसी के आगे चलकर हजारों मंदिरों को भ्रष्ट किया तथा अन्य हिंदुओं को मुसलमान बनाया। बंगाल के मुसलमानों की संख्या में वृद्धि करने हेतु यही काला पहाड़ एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो यहाँ पर ये फुटनोट तो सावरकर ने बिल्कुल सही लिखा है, हमने जाति आखिर क्यों नहीं जाति में भी काला पहाड़ के लिए यही जिक्र पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। वहीं अशोक, पाणिनि और कपिल मुनि के नामों के उच्चारण के साथ अपने शरीर में नव चेतना जाग उठती है और आत्म गौरव का अनुभव होता है। यदि अशोक ने इतना ही पसंद था तो फिर अशोक के बाद उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उससे इन्होंने सारा राज्य अशोक का हड़प लिया था। और पहले सावरकर ने थर्ड चैप्टर में बोला है कि अशोक की सारी उपलब्धियों को भी हिंदू जो है वो अपनी उपलब्धि ही मानते हैं। तो इस तरीके से सावरकर ने जबरदस्ती कोशिश करी है संस्कृति को मनवाने की, इतिहास को मनवाने की, कि हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है, कल्पनाओं के आधार पर गढ़े गए चरित्र ही इनका इतिहास है। इतना ही मुझे समझ में आया है। और जो सवाल शुरू में मैंने आपसे पूछा था उनके जवाब प्लीज जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम अगली चर्चा को लेंगे जो इससे भी इंटरेस्टिंग है। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।